श्री चंद्रशेखर जी सर स्टार्ट नहीं है, ये माइक एक सेकंड रुका करो, एक सेकंड चालू जाएगा। ठीक है सर। सर मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोकसभा के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। सर बहुत सारे सदस्यों ने आपकी तारीफ की और मैं खुद आपसे सर मिला हूं। जब मुझे एक परेशानी आई तो आपने मेरा संरक्षण किया। सर हम नई पार्टी हैं और मैं अपने लोगों की आज़ाद आवाज़ हूं। सर मैं आपसे संरक्षण की अपील करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप संरक्षण करेंगे। सर सर मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि आप लोकतंत्र के रक्षक हैं, प्रकृति आपको लोकतंत्र की रक्षा करने की जो है ताकत प्रदान करे। साथ साथ सर मैं पूरे सदन को आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की आज जयंती, उसके लिए भी बधाई देता हूँ सर। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ सर, हमारे लोग बहुत बुरी हालात में हैं सर वहाँ, और अगर हमें मौका नहीं मिलेगा सर हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो आपसे संरक्षण की अपील और पुनः आपको बधाई और सभी सदस्यों को बधाई सर, धन्यवाद। मेरी अपेक्षा रहेगी कि मैं सबकी सहमति से सदन चलाऊं, एक दल का व्यक्ति हो उसको भी पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मिले, क्योंकि देश की जनता ने उनको चुनकर भेजा है। और मैंने कोशिश की पिछले कार्यकाल में कि पहले सत्र में सभी मान्य सदस्यों को बोलने का अवसर दिया, जो मान्य सदस्य नहीं बोलना चाहते थे उनको भी आग्रहपूर्वक बुलाया और उन्होंने अपनी बात को रखी। मैं कोशिश करूँगा कि उसी भावनाओं से आप सबका मत विचार सदन में आए और मैं निष्पक्ष रूप से सदन का संचालन कर सकूं। लेकिन मेरी अपेक्षा रहेगी कि निर्बाध रूप से सदन चले, ये मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी। हम सब लोग यहाँ पर चुनकर आते हैं और जनता की बहुत अपेक्षाओं से चुनकर आते हैं, इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि सदन में गतिरोध नहीं होना चाहिए। सदन में आलोचना हो, विचार व्यक्त हो, अभिव्यक्ति हो, लेकिन गतिरोध सदन की परंपरा नहीं है। बेल में आना सदन की परंपरा नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी कि जो संसदीय मर्यादा है उसके पालन करने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है और मैं उसका पालन करूंगा।